हाँ, सही सुना आपने, दो टुकड़ों में बंट गया चंद्रयान 3। क्या चांद की सतह पर लैंड हो पाएगा? चंद्रयान 3 अब दो टुकड़ों में बंट चुका है। प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब आगे की यात्रा विक्रम लैंडर को अकेले ही तय करनी है। अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। चांद की सतह पर विक्रम की लैंडिंग के लिए 16 अगस्त की सुबह चांद की 5वीं कक्षा में पहुंचा था। सिर्फ 1 मिनट के लिए इंजन को ऑन एन किया था। अब वह 153 किलोमीटर इन टू 163 किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट में घूम रहा है। इससे पहले वह 150 किलोमीटर इन टू 177 की ऑन ऑर्बिट में था। यह बात 14 अगस्त की है। इस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, यानी गति धीमी करने के लिए उल्टी दिशा में यान को चला रहा है। 17 अगस्त की दोपहर 1 बजे चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल दो हिस्सों में बंट गया। इसका एक हिस्सा है प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल। दोनों अब तक एक साथ जुड़कर यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल 153 किलोमीटर इनटू 163 किलोमीटर ऑन ऑर्बिट में घूमना शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी दूरी के साथ, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डीऑर्बिटिंग कराई जाएगी। 18 अगस्त 2023 की दोपहर करीब 4 बजे 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर्स को ऑन एन किया जाएगा, ताकि उसे सही दिशा में लाकर गति कम की जा सके। फिर 20 अगस्त की देर रात 1:45 के आसपास भी यही काम किया जाएगा। अभी चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में लाना बाकी है। अब चंद्रयान 3 से संबंधित 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वां चरण है प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल का अलग होना। फिर 23 तारीख की शाम 6:45 लैंडिंग कराई जाएगी। यह 8वां चरण होगा। लैंडिंग के समय काफी धूल उड़ने की आशंका है, इसलिए धूल के छटने तक लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। इसके बाद 9वें चरण में रोवर लैंडर के पेट से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जांच करेगा। जांच करने के बाद वह लगातार अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपनी जानकारी को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को देगा। यहां से डेटा बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN को मिलेगा। मजेदार बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा, तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।